हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। 20 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और 2020 में आए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन ही देख रहे हैं, तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अष्टयाम रचना के लेखक हैं। अष्टयाम रचना के लेखक कौन हैं? तो जो ऑप्शन दे रखे हैं, जटमल, नाभादास, रामप्रसाद निरंजनी या फिर विट्ठल नाथ। तो इनमें से सही आंसर होगा क, जटमल। अष्टयाम रचना के लेखक हैं तो जटमल। बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो जो ऑप्शन है बाल विवाह, आकाशदीप, इंदुमती या फिर साहित्य संदेश। तो क इसका आंसर होगा बाल विवाह। द्विवेदी युग के साहित्यकार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी युग का नाम, किसी युग के, जैसे द्विवेदी युग का हो गया, प्रेमचंद युग का हो गया, किसी भी युग का, कि बोलेंगे इस युग के दो लेखकों के नाम लिखो। तो क्या है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भगवती शरण वर्मा, श्याम सुंदर दास या फिर हरिशंकर परसाई। तो जो थर्ड है, थर्ड का आंसर होगा गय, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास इसका सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, यशोधरा के रचनाकार हैं। यशोधरा के रचनाकार कौन हैं? जो ऑप्शन दे रखे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो इसका सही आंसर होगा ग होगा, मैथिली शरण गुप्त। फोर्थ का आंसर क्या होगा ग, मैथिली शरण गुप्त। फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, छायावादोत्तर युग की पत्रिका है। छायावादोत्तर युग की पत्रिका कौन सी है? हंस या फिर हिंदी प्रदीप या फिर कादम्बिनी या फिर इंदु। तो फिफ्थ का आंसर होगा ख, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में या फिर पूर्व भारतेंदु युग में। तो जो सिक्स है, सिक्स का सही आंसर होगा ख, छायावादी युग में। जो ब्राह्मण पत्रिका है वो छायावादी युग में प्रकाशित हुई है। फिर क्वेश्चन है, कादम्बिनी पत्रिका है, कादम्बिनी पत्रिका किस युग की है? छायावादोत्तर युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की या फिर भारतेंदु युग की। तो जो सातवां क्वेश्चन है, सातवें का सही आंसर होगा घ, भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग की जो है, जो ये पत्रिका है कादम्बिनी, भारतेंदु युग की। आठवां क्वेश्चन है, राम प्रसाद निरंजनी रचयिता हैं मेरी असफलताएं, अम्बपाली या फिर भाषा योग वशिष्ठ या फिर राजदीप। तो ग आंसर होगा भाषा योग वशिष्ठ, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, कोई मैंने ऐसे ही लिख के नहीं दे दिया है। आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और इन प्रश्नों को ज़रूर याद करें, क्योंकि हो सकता है कि 2021 के एग्जाम में भी ये प्रश्न आए। तो देखते हैं, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल क्या था? हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या फिर स्वातंत्र्योत्तर युग। तो नाइन्थ का जो सही आंसर होगा क होगा, द्विवेदी युग। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था द्विवेदी युग, मतलब हिंदी गद्य का जो विकास हुआ, शुरुआत हुई द्विवेदी युग से। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं? तो जो दसवां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा घ, विट्ठल नाथ। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो ग्यारहवें का सही आंसर होगा क, गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा को खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। बारहवां क्वेश्चन रहेगा, द्विवेदी युग की पत्रिका है, जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है? हिंदी प्रदीप, हंस, प्रताप या फिर धर्मयुग। तो बारहवें का सही आंसर होगा ग, प्रताप। जो प्रताप है द्विवेदी युग की पत्रिका है। पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं। जो ये पैरों में पंख बांधकर है, इसके रचनाकार या लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती।
तो जो 13 क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा क, राम वृक्ष बेनीपुरी। 14वां क्वेश्चन रहेगा, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं तो हैं धर्मवीर भारती। ख जो आंसर रहेगा धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? जो ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, बालकृष्ण भट्ट या फिर रामचंद्र शुक्ल। जो 15वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ग, बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं, ध्यान रखना नहीं है, मतलब जो एक है उसके अलावा सारे जो हैं द्विवेदी युग के लेखक रहेंगे। ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो 16वीं का जो सही आंसर होगा घ होगा, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जो है द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी द्विवेदी युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना के लेखक हैं? 2019 का प्रश्न है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, किशोरी लाल गोस्वामी, ईसा अल्लाह खां या फिर राधा चरण गोस्वामी। तो जो 17वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं राजा भोज का सपना जो रचना है उसके लेखक हैं। 18वां क्वेश्चन, आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं, आलोचक जिन्होंने आलोचना लिखी है, किसी की आलोचना की है तो उसके उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो जो 18वां क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर होगा, ये एक आलोचक हैं। फ्रेंड्स आपके कितने क्वेश्चन सही रहते हैं आप उसको कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं, नासकेतोपाख्यान जो रचना है इसके लेखक कौन हैं? तो जो 19वें का जो सही आंसर है इसका सही आंसर होगा घ, क्या होगा, घ, सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान किसने लिखा है, सदल मिश्र। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18, 19, 20 और 21 में भी आएगा, ठीक है, किसी न किसी सेट में आएगा, तो आप इसको जरूर याद रखें। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? जो ऑप्शन दे रखे हैं अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या फिर गंगा प्रसाद पांडे। तो 20वें का जो सही आंसर होगा ख होगा, क्या होगा, ख, विष्णु प्रभाकर इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सिर्फ 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट के क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनको हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन सभी प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।